नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम लोग दो टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा टेस्ट है। याद रखिए, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, अगर उस तरह के क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनके लिए, उस परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी दो टेस्ट आपके खत्म हो चुके हैं और उनकी बात करूं तो टेस्ट सीरीज फॉर आईएसपीसीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची है, उसमें आपकी दोनों डली हुई है। और पीडीएफ की बात करूं तो ये टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ते रहिए। और कुछ भी आपकी अगर शिकायत हो या कुछ आपकी समझ सकते हैं सुधार करने की बात हो तो उसे भी आप लोग राय देते रहिए अपनी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें निम्नलिखित गैसों को वायुमंडल में उनकी पिछुड़ता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब है कि जो नीचे ये गैसें दी गई हैं, इनमें बताना है कि वायुमंडल में सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में बताते जाना है हमें। तो आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि सबसे कम आपकी आर्गन गैस देखने को मिलेगी, यानी कि एक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी, यानी कि चार। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हीलियम, हीलियम यानी कि दो। और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन, यानी तीन। एक, चार, दो, तीन। दो, तीन, यानी कि इसमें होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारा वायुमंडल है, इसमें गैसें सम्मिलित रहती हैं, जलवाष्प भी रहता है और धूल कण भी रहता है। अगर गैसों की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन आपको कितनी देखने को मिलेगी? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78 दशमलव, कितनी? 78.8% आपकी देखने को मिलेगी। क्या? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, कितनी? 20.95, 20 दशमलव, कितनी? 95%। तीसरे नंबर पर मिलेगी आपको ऑर्गन, क्या? आर्गन, 0.93%। चौथे नंबर पर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये कितनी है? 0.036%। उसके बाद आप देखेंगे नियोन, ये कितनी है? 0.002%। हीलियम की बात करेंगे तो ये कितनी है? 0.005%। ठीक है, तो सबसे कम हीलियम आपकी, इन्हें याद रखना। सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है, ऑक्सीजन के बारे में भी कई बार पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। समतामंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बिल्कुल गलत है। झोप मंडल और झोप सीमा के ऊपर पाया जाता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आपका गलत है। इस कथन को हमेशा मैं बोलता आया हूँ कि इस कथन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया करिएगा, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चंस आते हुए हमें गलत हो जाते हैं हमसे इस कथन के कारण। अब देखिए, इसमें पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों कथन सही नहीं है। अगर आपसे पूछा था सही है तो दोनों कथन सही नहीं है, सही नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक कथन भी सही नहीं है और दूसरा कथन भी सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है आपका, लेकिन आखिर इसमें सही क्या होगा उसे भी सुन लीजिए आप लोग। झोप मंडल वायुमंडल का सबसे निचले का स्तर होता है, झोप मंडल वायुमंडल का सबसे निचले का स्तर होता है, ना कि समताप मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 13 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहता है, और कहीं कहीं या ध्रुवों पर आप देखेंगे तो ये 8 किलोमीटर देखने को मिलेगा। और अगर हम विषुवत रेखा पर बात करें, विषुवत बर्फ पर, तो यहाँ 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। और समताप मंडल की अगर बात करें तो इसके ऊपर, यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जिस ओजोन की बात कर रहा था, ये ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, ना कि झोप मंडल में। और यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है,
जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्या तप की तीव्रता को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक सूर्या तप की तीव्रता को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सही बात है। सूर्य की किरणों का नति कोण, ये भी सही है। वायुमंडल की पारदर्शिता, ये भी सही है। स्थल विन्यास, यानी कि चारों कथन है इसमें, चारों पॉइंट सही है। क्या है? चारों पॉइंट सही है। सूर्यातप में होने वाली भिन्नता के कारक, यही चार पॉइंट है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नीति कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास। ठीक है, और सूर्यातप किसे कहते हैं? अगर इसे भी पता नहीं है तो सुन लीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगदैर्ध्य के रूप में होता है, और पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या फिर छोटे रूप में इसे सूर्याताप भी कह देते हैं, सूर्याताप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? चारों कूट आपके बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वायुमंडल के तापन और शीतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वायुमंडल के तापन और शीतलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वायु के क्षैतिज संचलन के कारण होने वाले ताप स्थानांतरण को अभिवहन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब भूमि के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायु मंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषता उत्तरी भाग में, गर्मियों के दौरान चलने वाली स्थानीय पवन लू चालन का ही परिणाम है, ये आपका गलत है। इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक कथन और दो कथन आपका सही है, तीसरा आपका कथन गलत है। तो तीसरा गलत क्यों है उसे भी देख लेता हूं। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नता केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों, विशेषकर आप उत्तरी भागों में, गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को लू इसी अभिवहन का परिणाम है। किसका? अभिवहन का परिणाम है। तो इसमें आपका एक कथन सही था, ए ऑप्शन सही था, एक और दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः ह्रास दर और तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य ह्रास दर और तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो उसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ये गलत है आपका। सर्दियों के मेघविहीन लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं, बिल्कुल सही है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में व्युत्क्रमण की उत्पत्ति वायु अपवाह के कारण होती है, ये भी आपका सही है। इसमें पूछा क्या है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दो और तीन कथन सही है। इसलिए बोलता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ना है इस पॉइंट को। अगर आप देखिए, यहाँ पूछ लेता कि सही नहीं है तो एक इसमें केवल सही ना होता, ठीक है, लेकिन पूछा है सही है, तो दो और तीन कथन सही है। लेकिन एक गलत क्यों है उसे भी बता देता हूँ। सामान्यतः जो तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ना कि बढ़ने को, क्या घटने को क्या कहते हैं? सामान्य ह्रास दर। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, दो और तीन कथन सही है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होने का प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पर सबसे अधिक सूर्यातप प्राप्त होने का प्रमुख कारण है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मेघाच्छादन अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। गर्मियों के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दिन की अवधि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है।
अन्य क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस प्रभाव अधिक होता है। अन्य स्थानों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र महासागरीय क्षेत्रों के अधिक निकट है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मेघाच्छादन अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यही है आपका ए ऑप्शन सही है। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर आपका देखने को मिलेगा 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यातप आपका उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह के नजदीक क्षैतिज हवाओं को प्रभावित करते हैं? क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी की सतह के नजदीक क्षैतिज हवाओं को प्रभावित करते हैं? दाब प्रवणता प्रभाव सही, बिल्कुल। घर्षण बल ये भी सही है। कोरियोलिस बल ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल ये भी सही है। यानी कि आपके चारों इसमें जो ऑप्शन है ये चारों पॉइंट हैं ये सही है। तो इसमें क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि चारों कूट सही है आपके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले तरफ हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने? कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। यह पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उनकी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो बाईं ओर विक्षेपित करता है। यह भी सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब है कि यह ध्रुवों पर सबसे ज्यादा और विषुवत वृत्त पर ही जीरो रहता है। यह भी सही है। यह दाब प्रवणता पर लंबवत कार्य भी करता है। ये भी सही है। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, सही कथन बताना है हमें। तो आप देख रहे हैं कि चारों कथन इसमें बिल्कुल सही है आपके। क्या होगा हमारा ऑप्शन? डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। वर्ष 1844 में, कब? 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और जिनके नाम पर इस बल को कोरियोलिस बल नाम दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। लॉरेंटियन प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लॉरेंटियन जलवायु वेटिस्तुल्य जलवायु एवं टेगा जलवायु के मध्य की स्थिति होती है। बिल्कुल सही है। यह जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ये भी आपका सही है। इसमें क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो दोनों कथन आपके सही है। क्या है? दोनों कथन सही है। लॉरेंटियन जलवायु या शांत शीतोष्ण पूर्वी समुद्री जलवायु वेटिस्तुल्य जलवायु और टैगा जलवायु के मध्य की स्थिति होती है। इसमें आप समुद्री और महाद्वीपीय जलवायु दोनों की विशेषताएं देखेंगे। लॉरेंटियन विकास की जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध के दो क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। ये आपके उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका, जिसमें आपका पूर्वी कनाडा हो गया, उत्तर पूर्व अमेरिका और न्यूफाउंडलैंड में शामिल देखने को मिलेगी, और पूर्वी साइबेरिया की बात करें तो उत्तरी चीन हो गया, मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान सहित एशिया के पूर्वी तट पर भी देखने को मिलेगी। तो इसमें आपके दोनों कथन सही थे। सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, नीचे जो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है हमारा? जब मध्य पृथ्वी
प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं, तो इसे एल नीनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल नीनो कहा जाता है। और याद रखिए, गर्म एक मिनट रुकिए, एल नीनो कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी दोलन बदलाव एवं एल नीनो की संयुक्त घटना को इंसो के नाम से भी जानते हैं। किसके? इंसो के नाम से जानते हैं। ए भी आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। कौन से सही हैं? इसमें क्या पूछ रहा है? सही, तो इसमें आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल हैं? निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल हैं? बेहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में कम अंतर, पहले से मौजूद मजबूत निम्न दाब क्षेत्र। तो इसमें एक सही है, दो सही है और तीसरा सही है, चौथा इसमें गलत है। क्या है? चौथा गलत है। तो इसमें क्या होगा आपका? सी ऑप्शन सही होगा। एक दो तीन, एक दो तीन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति विकास के लिए अनुकूल अगर स्थितियों की बात करें तो पहला बेहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या फिर निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना और समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण, इनकी पर मतलब इसके बनने के लिए अनुकूल स्थितियां हैं इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार के बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। विभिन्न प्रकार के बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चाप मेघों का निर्माण कम ऊंचाई पर होता है, गलत है। स्तरीय मेघ सामान्यता या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं, ये आपका सही है। वर्षा मेघ सूर्य की किरणों के लिए अत्यधिक अपारदर्शी होते हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि इसमें दो और तीन कथन आपका सही है, लेकिन एक जो कथन गलत है आपका। एक क्यों गलत है? पश्चाप मेघों का निर्माण आपका 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान हमें दिखाई देते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के भी होते हैं, ठीक है, याद रखिए। अगर हम कपासी मेघ की बात करें तो ये रुई के समान दिखाई देते हैं और ये सामान्यतः आपका 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर हमें देखेंगे। ये छितरे इधर उधर बिखरे रूप में दिखते हैं, ठीक। तो इसमें आपका दो और तीन कथन बिल्कुल सही था, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है अगला क्वेश्चन? इस प्रकार की जलवायु पूरी तरह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तरी उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण के बीच तक सीमित होती है। इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण पवन पट्टियों का स्थानांतरण है। इस जलवायु का सबसे विकसित रूप मध्य चिली में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु की पहचान करना है, फिर से सुन लीजिए। इस प्रकार की जलवायु पूरी तरह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक सीमित होती है। इस प्रकार की जलवायु का मूल कारण पवन पट्टियों का स्थानांतरण है। इस जलवायु का सबसे विकसित रूप मध्य चिली में पाया जाता है। ये कौन सी जलवायु की पहचान है? तो आप सभी जानते होंगे, भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु की एक पहचान है। क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन सही होगा।
गर्मी के टाइम में यहाँ का आप देखें तो औसत यहाँ का तापमान देखेंगे मासिक तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में देखेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और वार्षिक वर्षा की बात करें तो 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच यहाँ वर्षा देखने को मिलती है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यूरेशिया में इन्हें स्टेपी कहा जाता है और ये पूर्व की ओर काले सागर के किनारे से अल्ताई पर्वत की तलहटी तक विस्तृत है, यानी कि फैले हुए हैं। सही है बिल्कुल। इस प्रकार की जलवायु के घास मैदान लगभग वृक्षविहीन होते हैं और ऐसा पूर्वी पर्ण पट्टी में स्थित होने के कारण होता है। ये आपका गलत है, इसमें क्या होगा, केवल एक कथन सही है इसमें। और क्या पूछा है, सही कथन पूछा है तो केवल एक सही है। अगर यहाँ पूछ लेता गलत कौन सा है तो आप कह देते कि दूसरा केवल गलत है। दूसरा आखिर गलत क्यों है तो उस पर भी बता देता हूँ। स्टेपी जलवायु या समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु या फिर समशीतोष्ण घास के मैदान महाद्वीपों के अंदरूनी भाग में पाई जाने वाली जलवायु का एक प्रकार है। यद्यपि आप देखेंगे कि वेस्टर्लीज पछुआ पवन की पट्टी मध्य अक्षांश या फिर समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित होती है, किंतु यह महाद्वीपीयता के कारण वृक्ष रहित घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। वृक्ष रहित घास के मैदान देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सी गर्म स्थानीय भवनें हैं, जो आपकी नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सी गर्म स्थानीय भवनें हैं। चिनुक भी है, फॉयन भी है और सिरोको भी है, सिराको भी बोल देते हैं इसे। क्या है, 1 2 3, बोरा नहीं है इसमें। क्या होगा आपका, 1 2 3 सही होगा कूट इसमें। बोरा क्या है, अगर हम लोग गर्म स्थानीय भवनों की बात करें तो इसमें चिनूक हो गया, हार्मट्टन, फोहेन, सिराको या सिरेको, नॉर्वेस्टर, ब्रिक फील्डर, खमसिन, संतायना, लू आदि शामिल की जाती है। अगर हम ठंडी स्थानीय भवनों की बात करें तो इसमें आपका मिस्टल हो गया, बोरा, नॉर्थर्स, ब्लिजार्ड, ओरगा, लेवेंटर, पेम्परो, वाइस, ये सभी आपकी ठंडी धाराएं हैं, ठंडी स्थानीय भवनें हैं। ठीक है, बोरा भी आपकी ठंडी स्थानीय हवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर यानी कि IIT खड़गपुर द्वारा संकलित उपयोग योग्य भूमि भूजल संग्रहण के प्रथम अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा संकलित उपयोग योग्य भूजल संग्रहण के प्रथम अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन हमें चुनना है। हरियाणा जहाँ 689 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है में भूजल का स्तर उच्चतम था। सही है, भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है जो वैश्विक रूप से कुल भूजल के लगभग 1/4 भाग का उपयोग करता है। ये भी सही है। सतत विकास लक्ष्य 6 जल के स्थायी प्रबंधन से संबंधित है, ये भी सही है। तीनों कथन आपके सही है। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ सही कथन पूछ रहा है तो तीनों कथन आपके सही है। इस तरह के आप याद रखिए, सतत जो विकास लक्ष्य हैं आपके 17, इन्हें आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि इनसे आपका कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। इसमें आपका डी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में बात करनी है हमें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल गलत है।
यह वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों की मात्रा निर्धारित करता है और वैश्विक वित्तीय बैंकों की निगरानी करने वाले केंद्रीय बैंकों, निजी निर्माताओं और अन्य लोगों की सिफारिशें भी जारी करता है। ये सही है, पहला कथन इसमें गलत है। क्या है? पहला कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका एक कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है जो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है, कौन सी? IMF जारी करती है, और एक एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। क्या है? अर्धवार्षिक रिपोर्ट है ये, ठीक है, IMF जारी करती है। तो इसमें केवल आपका एक कथन गलत था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्लाउड हनी पोर्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या करना है हमें? सही कथन चुनना है। यह साइबर हमलावरों के संभावित लक्ष्यों की नकल करने का की एक प्रणाली है। सही है, इनका उपयोग हमलावरों को फंसाने के लिए किया जाता है, जिसमें हमलावर को लगता है कि उसने नेटवर्क में प्रवेश कर लिया है। ये भी आपका सही है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही है। सोफोस एक IT सुरक्षा कंपनी, एक्सपोइंट साइबर अटैक ऑन क्लाउड हनीपोर्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हनीपोर्ट्स ने के वैश्विक नेटवर्क पर 5 मिलियन से अधिक बार हमले के प्रयास किए जा चुके हैं। समझ रहे हैं? कंप्यूटर की शब्दावली में हनीपोर्ट सुरक्षा का एक तंत्र है, जिसे खामियों का पता लगाने और विक्षेपण करने या फिर कुछ परिस्थितियों में सूचना प्रणालियों के अनाधिकृत उपयोग पर काउंटर अटैक के लिए उपयोग में लाया जाता है। साइबर हमलावरों को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हनीपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमले के दौरान हनीपोर्ट ऐसा व्यू रचता है, यानी कि ऐसा आप समझिए कि भ्रमित कर देता है, जिससे हमलावर को ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नेटवर्क में प्रवेश कर लिया। इसी दौरान नेटवर्क रक्षकों को उचित समय मिल जाता है, जिसे वे खतरे के विश्लेषण के साथ ही उसे रोकने के लिए उपयुक्त उपाय भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? दोनों कथन आपके सही होंगे, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अप्रैल 2019 में जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अप्रैल 2019 में जो जारी की गई थी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 और 2019 के बीच भारत की आबादी में वृद्धि चीन की वार्षिक वृद्धि दर के दोगुने से अधिक है। एक ही काम में तो हम लोग आगे हैं, आबादी बढ़ाने के, बाकी क्षेत्रों में हम लोग आगे हों या नहीं, लेकिन हम लोग आबादी बराबर बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2030 तक हम लोग चीन से आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में। आप समझ सकते हैं इतने तेजी से हम लोग चल रहे हैं। वर्ष 2019 में भारत ने 65 वर्ष की जीवन प्रत्याशा दर्ज की है। ये आपका गलत है। क्या है? ये आपका गलत है, क्योंकि कितनी की है? 69 वर्ष की है। कितना? 69 वर्ष। 65 की जगह अगर 69 होता तो ये सही होता। इसमें लेकिन पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा कथन इसमें सही नहीं है। क्या है? तीसरा कथन सही नहीं है, सी ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। विशेष अवकाश याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यह आपका गलत है। SLP यानी कि विशेष अवकाश याचिका केवल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं और दूसरा भी गलत है, यानी कि दोनों गलत इसमें कथन है। आखिर सही क्या होगा उसे भी बता देता हूँ। SLP यानी कि विशेष अवकाश याचिका या उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर, कितने? 90 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है।
या फिर उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र देने से इनकार करने की उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह 60 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है। SLP को निम्नलिखित परिस्थितियों में भी विस्तृत किया जा सकता है, या भारत के क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या फिर डिक्री या आदेश के खिलाफ भी दायर किया जा सकता है इसे। ठीक है, तो इसमें आपका ना तो एक सही था और ना ही दो। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार। सौर पीवी फोटोवोल्टिक सेल में ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका भौतिक पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से निष्कर्षण किया जा सकता है। गलत है। सौर सेल के उचित निपटान की पद्धति ई कचरा प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 के तहत शामिल की गई, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत हैं, लेकिन इसमें पूछा था सही है, सही पूछा था। तो इसमें ना तो एक सही है ना ही दो सही है, लेकिन आखिर इसमें सही क्या है उसे बता देता हूँ। सौर मॉड्यूल में इलेक्ट्रॉनिक्स के समान सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, कैडमियम, सेलेनियम, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सहित कुछ खतरनाक पदार्थ इसमें शामिल रहते हैं। ऐसे भौतिक निष्कर्षण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। और सौर सेल की उचित निपटान की पद्धति ई प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 में शामिल किया गया है। क्या किया गया है, शामिल किया गया है इसे। तो इसमें ना तो आपका एक सही था और ना ही दो, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होगा, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो इसमें आपका चाड भी देखने को मिलेगा, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य भी देखने को मिलेगा, लेकिन सूडान नहीं है। क्या है, सूडान नहीं है। तो इसमें आपका सही कूट चुनना था, तो इसमें एक और दो होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार ही करना है। बोल्ड कुरुक्षेत्र वर्ष 2019 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था? बिल्कुल गलत है। यह सिम्बैक्स से का ही एक नया रूप है जो भारत और सिंगापुर के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास था, ये भी आपका गलत है। तो आखिर सही क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित एक थल सैनिक, याद रखिए क्या है, थल सैनिक अभ्यास है, ना कि नौसैनिक। ठीक है, और सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये भारत और सिंगापुर के जो थल सैनिक हैं इनके बीच होता है, और सिम्बैक्स आपका ये नौसेनाओं के बीच शामिल होता है भारत और सिंगापुर की। इसमें क्या पूछा था, सही नहीं सही है, तो इसमें ना तो एक सही था और ना ही दो सही था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला अत्याधुनिक रियलिटी सेंटर स्थापित किया है? भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला अत्याधुनिक रियलिटी सेंटर स्थापित किया है? तो आप सभी ने न्यूज में सुना होगा, नई दिल्ली में। कहा, नई दिल्ली में। यह केंद्रीय भारतीय नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता में वृद्धि को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से शामिल है? विदेशी मुद्राएं अस्थियां, स्वर्ण मुद्रा, विशेष आरण अधिकार SDR, IMM में आरक्षित स्थिति, ये चारों हैं। क्या है, चारों हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की मैं बात करें तो विदेशी मुद्रा की अस्थियां भी शामिल होती हैं, स्वर्ण भी शामिल रहता है, विशेष आरण अधिकार यानी कि FDA भी शामिल रहता है, SDR, IMF
रिजर्व टेंच में रिजर्व इस पोजीशन शामिल रहती इसमें, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित संपत्ति होती है। यह आरक्षित संपत्ति देनदारियों को वापस करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल भी होती है। ये अस्थियां कई उद्देश्य की पूर्ति भी करती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय सरकार एजेंसी के पास बैकअप फंड्स कितना है। यदि उनकी राष्ट्रीय मुद्रा तेजी से अवमूल्यन करती है या सभी एक साथ दिवालिया हो जाती है, तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें वैसे क्या था, चारों से सही थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा इसमें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आप ऑन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो तो टेस्ट सीरीज अलग चल ही रही है आपकी, ये भी आपका, इससे भी आपके क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, अगर मुझे लगता है कि आप अगर विस्तार से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो जो आपके वन डे एग्जाम रहते हैं वैसे भी निकल जाते हैं। अब आप सोचिए कि आप सिविल सर्विस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर चाहे आप लोग संविधान पढ़ रहे हो या इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि वन डे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व ना कर पाएं, आपसे वो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मिलेंगे हम लोग नए एक टेस्ट सीरीज के साथ, चौथी टेस्ट सीरीज।